जेनबी स्टूडियोस ने पीटा रोमन रेंस एंड उनकी फैमिली को और जाएंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यू एच मैडम के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी ताबड़ तोड़ रही है। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमने रोमन रेंस की फिर से पिटाई होते हुए देखी, साथ ही साथ दोस्तों हमने रोमन को असहाय होते हुए देखा, जहां उनके भाइयों को उनके चेहरे के सामने उनके फेस के सामने पीटा गया है। बात कर ली जाए दोस्तों शुरुआत की, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी हमारे जिमी उसो के सेगमेंट द्वारा। जिमी उसो दोस्तों बैक स्टेज रोमन रेंस के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पॉल हेमन दोस्तों उन्हें दरवाजे पर रोक लेते हैं और ये चीज कहते हैं कि अभी मत घुस, अभी उसका किसी और चीज पर फोकस है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री हो जाती है। रोमन रेंस ने अपनी एंट्रेंस पर एक शॉर्ट सा प्रोमो काटा है। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि लास्ट वीक वो गायब थे, कई लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन उन्हें भी कंप्लेन है एक व्यक्ति से जो कि है एज। वो चीज कहते हैं कि एज जो है मेरे फैमिली मेंबर को तोड़ा, साथ ही साथ उसने ये चीज कही कि रेसलमेनिया में मैं उससे डरा हुआ था, अगर मैं डरा होता होता तो मैं जीतता कैसे। आगे दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ जिमी उसो आ जाते हैं, जो कि रोमन से उनकी एब्सेंस की वजह पूछते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि पूछने की बजाय तू ये बता कि तू भला डिसीजन कब से लेने लग गया। उसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है जे उसो की, तो जे उसो का वहाँ रिटर्न हो गया, जे उसो रिंग के अंदर आए, जहाँ दोस्तों जे उसो ने ये चीज़ कही है कि वो चाहते हैं कि वो फिर से राइट हैंड मैन बन जाए रोमन के, और यही चीज़ दोस्तों जिमी से भी एक्सपेक्ट करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि आगे वो टैग टीम चैंपियन बनेंगे। इसके बाद दोस्तों तीनों गले लगते हैं। रोमन रेंस का कहना ये रहता है कि अब वो स्मैकडाउन पर राज करेंगे, जिसके बाद दोस्तों सेगमेंट हो जाता है ख़त्म। इसके बाद दोस्तों हमें जो अगली चीज़ देखने को मिली है वो था दोस्तों हमारे किंग कॉर्बिन नाकामुरा का मैच। तो भाइयों के रियूनियन के बाद दोस्तों हमें देखने को मिले हैं किंग कॉर्बिन एक्शन में, जहां कॉर्बिन पर मुझे ऑलरेडी दया आ चुकी थी और ये चीज़ कह चुके थे कि उनका सब कुछ कुड़क हो चुका है। मैच के अंदर दोस्तों बिगी ने भी हल्की सी इंटरफेरेंस की है, जहां दोस्तों रिजल्ट नाकामुरा के पक्ष में आया और किंग नाकामुरा इसमें विजय है और मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर गए। तो कॉर्बिन के साथ दोस्तों बुरा बर्ताव किया जा रहा है, बैड बुकिंग कॉन्टिन्यू है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों नटालिया एंड टमानिया का रिंग के अंदर आना। तो ये दोनों दोस्तों रिंग के अंदर आई, जहां इन दोनों ने दोस्तों ये चीज कही है कि आज उन्हें शॉर्ट नोटिस पर रखा गया है कि उन्हें कोई नई टैग टीम फेस करेगी, जिस पर हमें देखने को मिलती है वहां एंड्री हमारी नॉक्स एंड दोस्तों शॉटी ब्लैक हार्ट की, जो कि एनएक्सटी से है। दोस्तों फिर हमने इन दोनों टैग टीम्स को आपस में भिड़ते हुए देखा है। मैच दोस्तों काफी मजेदार था और इसके अंदर शॉट जी ने मैच को जिता दिया। मैच दोस्तों हालांकि नॉन टाइटल था, लेकिन यहां जीत तो जीत है और काफी बड़ी जीत यहां इन दोनों ने अर्जित किया अपने डेब्यू पे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सोनिया का रिंग के अंदर आना। सोनिया ने दोस्तों रिंग के अंदर आकर एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराया। वो ये चीज बोली कि बेली जो है वो इंजर्ड हो चुकी है और काफी समय तक वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं दिखाई देने वाली है, जिसका मतलब साफ है कि मनी इन द बैंक का हिस्सा नहीं होने वाली। इसके बाद हमें बेली भी क्लिप दिखाई जाती है, बेली ये चीज कहती है इंजर्ड हो चुके, लेकिन वो नहीं सोचती कि उन्हें कोई रिप्लेस कर पाएगा। जिसके बाद सोनिया ये चीज बताती है मनी इन द बैंक में कोई भी रिप्लेस नहीं कर रहा है बेली को। दरअसल नेक्स्ट वीक होगा चैंपियनशिप का मैच, जहां उनकी ओपोनेंट रहेगी कार्मेला। कार्मेला दोस्तों रिंग के अंदर आई, जहां वो खुद को हॉटेस्ट वुमन बताती है। फिर दोस्तों एंट्री हो जाती है लिम मॉर्गन की, तो प्रीव्यू वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ होगा। लिम मॉर्गन आई, जहां वो तू तड़ाक करने लगी, सोनिया को आ गया गुस्सा। सोनिया ने कहा कि हाँ तुम कार्मेला की जगह ले सकती हो और तुम मनी इन द बैंक के लिए कन्फर्म होती, लेकिन इसके लिए तुम्हें रिंग से जाना पड़ेगा। वहां दोस्तों रिंग से बाहर गई, एंट्री होगी बियांका की। बियांका दोस्तों ये चीज कहती है कि नेक्स्ट वीक वो टाइटल डिफेंड करके दिखाएगी, जहां दोस्तों कार्मेला ने दूर से देखकर उनकी बातों का जवाब दिया और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो यहां दोस्तों हमें पता चल चुका है कि नेक्स्ट वीक चैंपियनशिप का मैच होगा और दोस्तों बेली इक्वेशन से हो चुके गा मनी इन द बैंक के अंदर स्मैकडाउन चैंपियनशिप शायद से दांव पर ना हो। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का सेगमेंट। तो दोनों हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं बैक स्टेज, जहां दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि पॉल हेमन बताते हैं कि आज एज तुझे कॉल्ड आउट करने वाला है और सवाल तेरी मर्दानगी का है, जिस पर रोमन रेंस का काफी इंटेंस रिएक्शन आता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो। अब गाइस मैच की बात कर लेता हूं, मैच क्वालिफायर था और ये नाइट का सबसे बेहतरीन मैच था। इसके अंदर दोस्तों सिजारो ने अपना 100% दिया। कैबिनोस दोस्तों कमेंट्री कर रहे थे मैच बहुत धांसू जा रहा था। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों सिजारो ब्लीड भी करने लगे और उन्हें लगाया दोस्तों एक तगड़े वाला कर्व स्टॉम्प 1, 2 और 3। सेथ दोस्तों इसमें क्लीन विक्ट्री प्राप्त कर गए और मैच में विजय प्राप्त करके वो मनी इन द बैंक का हिस्सा होने वाले हैं। तो सेथ रॉलिंस की आज तगड़े वाली जीत हुई और मैच दोस्तों काफी ऑसम था। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है
वो था दोस्तों जिमी एंड जे का घुसना एज के कमरे में। तो दोनों पेलने जा रहे थे दोस्तों एज को, लेकिन एज वहां से गायब थे, जिसके बाद हमें सैथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिला। सैथ रॉलिंस काफी ज्यादा खुश थे, प्रोमो काट रहे थे, ये चीज कह रहे थे कि फाइनली वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। वो पहले कह रहे थे सिजारो उनके लेवल का नहीं है और अब वो मनी इन द बैंक जीतेंगे और कैश इन करेंगे, जैसे कि पास्ट में उन्होंने किया था। मुझे याद आ रहा है पास्ट में मैंने एक बंदे पर कैश इन किया था जो कि कोई और नहीं, हमारा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। रही बात एज की, एज हमें देखने को मिल जाते हैं उनके पीछे, एज ये चीज कहते हैं कि काफी समय से तू बोल बच्चन कर रहा है लेकिन मुझे तुझसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ दोस्तों, इन दोनों का भी स्टेट डाउन हो गया, बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे एज का कॉल्ड आउट करना रोमन रेंस को। तो गाइस एज पहुंच चुके हैं रिंग के अंदर, जहां दोस्तों कॉल्ड आउट कर रहे हैं रोमन रेंस को। ये चीज कहते हैं कि रोमन तो कहता है कि ये वो, लेकिन एक बात जान ले मनी इन द बैंक के अंदर मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत कर रहूंगा, अब मैं तुझे तेरे तरीके से बुलाता हूं बेटे, तो आ जा रिंग के अंदर आ जा। जिस पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है ये कि रोमन रेंस बैक स्टेज काउच पर बैठे हुए थे, उसको कहते हैं तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों एंट्री लेते हैं, जहां दोस्तों उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप पॉल हेमन के हाथों में दे दी थी। जैसे दोस्तों वो गए हैं रैंप के ऊपर, एंट्री हो जाती है फिर से उसोस की। वो कहते हैं उसोस को तुम क्यों आए, उसोस कहते हैं कि हम नहीं घुसेंगे, तुम जाकर इसे पीटो। जहां दोस्तों रोमन घुसते हैं, रोमन और एज के मध्य दोस्तों ब्रॉल छिड़ जाती है, दोनों एक दूसरे को पीटने पर उतारू थे। जहां दोस्तों फिर हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि जहां दोस्तों ज्यादा पीटने लग गए रोमन रेंस, उसोस घुसने की कोशिश करते हैं और फिर दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है मिस्टीरियस की। मिस्टीरियस दोस्तों 2 हफ्ते के गैप के बाद वहां आए और चेयर से उन्होंने जो धावा बोला है अब मुझसे पूछे ना। अंदर दोस्तों रोमन रेंस की पिटाई होने लगी, जहां दोस्तों फिर हमें एंगल देखने को मिलता है कि एज जाते हैं स्पीयर के लिए, लेकिन फिर उसोस पीट के मिस्टीरियस को रिंग के अंदर घुसाते हैं, एज को पीटने लगते हैं। यहां दोस्तों मिस्टीरियस फिर से इक्वेशन में आ गए, जहां दोस्तों रे मिस्टीरियो ने दोनों उसोस भाइयों को फंसाकर वहां डोमिनिक से 619 लगाया और जे को लगा दोस्तों तगड़े वाला स्पीयर। रोमन रेंस वहां से भाग खड़े हुए रैंप के ऊपर जाकर खड़े हो गए। इसके बाद दोस्तों हमें क्या थिंग देखने को मिलती है कि एज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दोस्तों चेयर लाते हैं भाई से, उसकी डंडी निकालते हैं और डेजा वो करते हैं जैसे कि लास्ट वीक किया था। इस बार दोस्तों उन्होंने जे को उसके अंदर फंसाया है। रोमन रेंस दोस्तों असहाय दूर से देख रहे थे, कुछ भी ना कर पाए दोस्तों, वहां क्रिपलर क्रॉस फेस लगाया गया एज के द्वारा। इसके बाद दोस्तों एज यहीं नहीं रुकते हैं, वो दोस्तों जिमी को भी फंसाते हैं, फिर जे को फंसाते हैं, फिर जिमी को, फिर जे को। वहां दोस्तों मिस्टीरियोस एंड एज ने मिलकर हमारे रोमन रेंस की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया और रोमन रेंस कुछ भी ना कर पाए। तो गाइस रोमन रेंस को असहाय दिखाया गया और रोमन रेंस की फैमिली के साथ काफी बुरा हुआ है। हालांकि दोस्तों अब बदला जरूर लिया जाएगा। कल बात की जाए आज की स्मैकडाउन की, आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी धांसू थी। इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस को हल्का सा असहाय दिखाया गया है। रोमन रेंस को ऐसा दिखाया गया कि गाइस वो चाहकर भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर पाए, हल्का सा उन्हें डरपोक दिखाया गया। बट दोस्तों एज को वहीं आज शेर दिखाया गया, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं इतना भी सही नहीं है। बट स्टिल दोस्तों एज जो है मिस्टीरियोस की दोस्तों सहायता लेकर आज जिमी एंड जे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किए हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों मनी इन द बैंक की, मनी इन द बैंक होने जा रही 19 जुलाई को, जहां दोस्तों मैच और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। अब दोस्तों रोमन रेंस को अपने भाइयों का भी बदला लेना है और सिचुएशन दोस्तों काफी गर्मा चुकी है। तो गाइस आज स्मैकडाउन में काफी ज्यादा मजा आया है। और वहीं बात की जाए दोस्तों आज की स्मैकडाउन की रेटिंग की, तो गाइस वो मैं भर भर के दूंगा। आज की स्मैकडाउन को मैं दूंगा 5 में से 4.3 स्टार। और आपके लिए ये भी चीज बताना चाहूंगा कि गाइस थंडरडोम में हमारी आखिरी स्मैकडाउन थी, नेक्स्ट वीक से हमें जनता फिर से भरते हुए नजर आएगी और भी ज्यादा दोस्तों मजा आएगा। नेक्स्ट वीक पे दोस्तों हमें थिंग्स ट्रैक पर जाते हुए, ट्रैक पर आते हुए देखने को मिलने वाली है और रोमन रेंस को भी बदला लेना है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। वीडियो आज की इतनी थी, तो पसंद है वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।